हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। मैं हूं जागृति एंड वेलकम टू माय चैनल डू एट होम। आज की हमारी रेसिपी है वेरी वेरी डिलीशियस एंड यमी चॉकलेट ट्रफल्स। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं और ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ चॉकलेट ट्रफल्स की रेसिपी। तो आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। ओरियो बिस्किट का एक पैकिंग, डार्क चॉकलेट कंपाउंड 200 ग्राम, दो दो चम्मच हम लेंगे चॉकलेट पाउडर, कोकोनट पाउडर और शुगर पाउडर। ट्रे ले लेंगे फॉइल पेपर लगा के, और डबल बॉयल करने के लिए हम दो बर्तन लेंगे इस तरह से, देखिए एक छोटा और एक बड़ा। अब हम जो डार्क चॉकलेट है उसको चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह की होती है, अब हम इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से। अब हम बाउल लेंगे और उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, और फिर जो चॉप किया हुआ हमारा जो बर्तन था जिसमें हमने चॉकलेट डाली थी वो उसके ऊपर रख देंगे। गैस को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। करीब 3 से 4 मिनट के अंदर ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब हम ओरियो बिस्किट का पैकिंग खोलेंगे और जो बिस्किट की क्रीम है वो हम अलग कर लेंगे। बिस्किट और बिस्किट की क्रीम दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों अलग हो गए। अब हम जो बिस्किट है उसको हम मिक्सर में चर्न कर लेंगे और उसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो हल्का सा चर्न करने के बाद इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाना है। अब एक बाउल में इसको डाल लेंगे। अब जो हमारी क्रीम है हम उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, देखिए इस तरह से। अब जो मेल्ट चॉकलेट है वो हम ओरियो बिस्किट में मिक्स करके अच्छे से इसको बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है ये। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे, तो इसको फैलाकर बीच में हम जो क्रीम की गोली है वो अंदर डाल देंगे और इस तरह से लड्डू ऐसे बना लेंगे गोल गोल। ये देखिए इस तरह से एकदम गोल गोल अच्छी अच्छी शेप में बना लीजिए। ये सारे लड्डू बनकर तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फिर से फ्रीजर में रख देंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट थी उसमें इसको डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, और इसको रखते जाएंगे। इसी तरह से हम कोकोनट पाउडर में भी इसको डिप करेंगे। पहले हम मेल्ट चॉकलेट में इसको मिक्स करके कोकोनट पाउडर में डाल देंगे और इस तरह से इसको घुमा के ये देखिए इसे रख दें। बाकी के लड्डुओं पे हम पाउडर शुगर और चॉकलेट पाउडर इस तरह से डाल देंगे और ये बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।